दोस्तों मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया है एंड अब आपको अपने अकॉर्डिंग इसको स्मूथ कर लेना फेस को, ठीक है। तो देखिए मैं किस प्रकार स्मूथ कर रहा हूँ, जिससे मेरा फेस स्मूथ लग रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने स्मूथ कर लिया फोटो को एंड उसके बाद आपको जाना है कलर्स के ऑप्शन पे। तो दोस्तों आपको नीचे सेलेक्ट करेंगे तो आप स्लाइड करेंगे तो देखेंगे कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपको क्लिक करना है कलराइज पे। तो दोस्तों कलराइज पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर लेना है अपने टी शर्ट के लिए। तो दोस्तों मैं इन्वर्ट करके अपने शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ कलर, ठीक है। तो फटाक से चलिए अप्लाई कर लेते हैं। मैंने अपने फोटो के ऊपर अप्लाई कर लिया है एंड मैं इसको कलर दे सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है, ठीक है। तो मैं इसको रेड ही दे देता हूँ, तो मैंने रेड दे दिया इसको, हल्का सा रेड है, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ से डन कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी फोटो में कलर अच्छा आ गया, लेकिन दोस्तों क्लैरिटी एक नंबर नहीं है। तो दोस्तों क्लैरिटी नाम की कोई नामो निशान नहीं है, तो उसके पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन। तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रिममी ऐप, ठीक है। आपको रिममी सर्च करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा रेड कलर का, तो आपको रेड वाले पर क्लिक करना है एंड आपको तो दोस्तों डाउनलोड हो गया, तो इसको हम ले जाके ओपन कर लेंगे। दोस्तों थोड़ी देर लोडिंग होगा, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे एंड आपको कट पे ऑप्शन क्लिक करना है एंड आपको गिव एक्सेस टू फोटो पे क्लिक कर देना है एंड आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपने फोटो एडिट कर दी है थोड़ी देर पहले। तो मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली है, तो देखिए आपकी फोटो अपलोड हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा लंबा प्रोसेस है एंड आपकी देखिए फोटो फाइनली कितनी अच्छी फोटो बन गई है। दोस्तों जूम करके दिखाता हूँ कितनी अच्छी क्लैरिटी है, देखिए दोस्तों। तो यही था इसका कमाल, तो देखते कितनी अच्छी क्वालिटी है। एंड आपको ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, जो व्हाइट कलर का डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है एंड आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव होने के बाद एक वॉच ऐड आता है, ठीक है, तो मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। तो आपकी फोटो देखिए इस प्रकार से एडिट हो जाती है, ठीक है। एंड आपको फिर से जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड आपको कलर को अच्छा देने के लिए लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करना है एंड आपको फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे दोस्तों, ठीक है। तो आपको जाना कलर वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा एंड आपको जाना कलर पे एंड मिक्स वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड आपको पहले ग्रीन सेलेक्ट करना है एंड उसको आपको सेचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद से ब्लू सेलेक्ट करना है, इनका भी सेचुरेशन बिल्कुल, इसका भी कलर जो है माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद से आपको कलर सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को अच्छी तरह से एडिट कर लेना, ठीक है। तो हमारी जो फोटो हो गई लगभग एडिट हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से कर देना डन पे क्लिक, ठीक है। डन पे क्लिक कर देना हमको एंड आप देख सकते हैं पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। तो देख सकते हैं कितना अच्छी क्लैरिटी आई है हमारी फोटो में। तो आपको जाना थ्री डॉट पे ऊपर है एंड आपको सेव टू इमेज कर देना, ठीक है। तो आपकी इमेज सेव हो जाएगी।